अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बनाने जा रही हूँ शिमला मिर्च पनीर की सब्ज़ी। देखिए, फटाफट मैंने सारी सब्ज़ी काट ली है और पनीर भी काट लिया है। चलिए अब हम देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। ये देखिए, चूल्हे पे हमने कढ़ाई रख दी है। अब हम इसके अंदर तेल डालेंगे, 3 टेबल स्पून। देखिए, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर पनीर डाल देते हैं। ये 250 ग्राम पनीर है। पनीर को तेज आंच पे फ्राई करेंगे हम, इस तरह से तेज आंच पे फ्राई करना है इसको। हल्की आंच पर हम फ्राई नहीं करेंगे, वरना ये पानी छोड़ देगा। बस तेज आंच पर फ्राई करके बस इसको निकाल लेना है। और ज्यादा देर भी फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि वरना ये ज्यादा देर फ्राई करने से ये टाइट हो जाता है पनीर। तो इसलिए बस तेज आंच पे फटाफट डालेंगे और फटाफट निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमने निकाल लिया है पनीर। अब ये जो ऑयल है, हम इसको निकाल लेते हैं, ऐसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। वो जो ऑयल था, उसी में से थोड़ा सा हम रहने देंगे और उसमें प्याज डाल देंगे। ये 1 पाव प्याज है। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, बस जब इसका कलर चेंज होने लगेगा तो हम इसको निकाल लेंगे। देखिए, प्याज का कलर चेंज होने लगा है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। प्याज हमने निकाल लिए। वो जो ऑयल हमने निकाला था, उसी में से 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। अब हम इसके अंदर शिमला मिर्च डाल देते हैं। शिमला मिर्च भी 1 पाव है। शिमला मिर्च को भी हमें बहुत नहीं पकाना है, बस इसका जब कलर चेंज हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। देखिए, ये कलर चेंज होने लगा है इसका। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम उसी तेल में से थोड़ा सा तेल डालेंगे, 1 चम्मच, और इसके अंदर लहसुन डाल देंगे, 4 जवे लहसुन। देखिए, लहसुन हल्का हल्का हो गया है। लहसुन को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। टमाटर भी 1 पाव है। देखिए, अच्छे से गल गया है। अब हम इसके अंदर सारी सब्जियां डाल देते हैं। प्याज डाल देते हैं, शिमला मिर्च, देखिए कितनी अच्छी कलरफुल सब्जी लग रही है। ग्रीन भी है, रेड भी है, वाइट भी है। अब इसमें पनीर भी डाल देते हैं, जिसको हमने फ्राई करके रखा। सारी सब्जियां मिक्स कर देते हैं अच्छे से। अब कुछ मसाले डाल लेते हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून सोया सॉस। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए हल्की आंच करके दम पे रख देते हैं, बस 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट हो गए हैं, चूल्हा बंद कर देते हैं और सब्जी को चेक कर लेते हैं। देखिए कलरफुल मज़ेदार सब्जी बनके तैयार है। चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए झटपट शिमला मिर्च पनीर की सब्जी बनके तैयार है। आप भी बनाइए और ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल कुक विद आयशा सलमान को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।